मैंने कॉल कर दिया है, रहमान अभी आते ही होंगे। और बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी, जॉब कैसी चल रही है आजकल? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आंटी एक बात तो बताएं, ये रूहान नहीं नजर आ रहा आजकल, रूमी का फ्रेंड। मेरा मतलब है कि पहले रूमी की वजह से अक्सर मुलाकात हो जाती थी, लेकिन काफी अरसा हो गया दिखा नहीं। हाँ बेटा, काफी कम कर दिया है रूहान ने यहाँ आना। रूमी बता रही थी कि जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई है उसने तो लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। उसकी वाइफ की डेथ हो गई? हाँ बेटा, एक्सीडेंट हो गया था बेचारी का, प्रेग्नेंट थी। तुम्हें नहीं मालूम? हाँ मालूम है मुझे, रूमी ने बताया था। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अच्छी औरत थी रूहान की वाइफ। बस बेटा, सब किस्मत के खेल हैं। माँ से लड़के उसने शादी की थी, घर भी छोड़ दिया, जब वो बाप बनने वाला था तो वाइफ की डेथ हो गई। अरे तुम चाय नहीं पी रहे, जूस मंगवाऊं तुम्हारे लिए? सुंदर जूस लेके आओ। अरे नहीं आंटी ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैं तुम्हारे लिए शामिल। ये समझ रहा था मेरे हाथों सिर्फ एक जान गई, मगर उसकी तो बेटी भी पैदा होने से पहले। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मेरे हाथों? आपको देने के लिए मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है। ओके, व्हाट्स दैट? आई एम प्रेग्नेंट। Really? Are you serious right now? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे। क्या बात है रूमी, आज तुम बहुत खामोश लग रही हो। एक बात बताओ शाजिया, आज इस बच्ची को लोगों के हाथों में देते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई अपनी कीमती चीज उन लोगों के हवाले कर। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं अपनी बेटी उन लोगों को दे रही। एक अजीब से उनसेहत सी होती जा रही। आज पहली बार इस बच्ची को वापस घर ले जाते हुए मुझे कोई दुख नहीं। I can understand. देर सवेर तो अल्लाह की तरफ से होती है कामिल बेटा। पहले रूमी की इंजरी, फिर उस बच्चे की वजह से मसाइल पैदा हो गए, वरना हमारी तो पूरी शादी की तैयारी थी, क्यों ना इला? हाँ ना, चलो शुक्र है अब तो रूमी की इंजरी भी ठीक हो गई, बच्चा भी खैर से अपने वालिदैन को पहुंच गया। मेरा ख्याल है अब कोई भी तारीख तय कर लेते हैं शादी के लिए। जी, मैं भी ये चाहता हूँ। रुहान, तुम कहाँ चले गए थे? अपने घर गया था इस उम्मीद पर के शायद सबा से मुलाकात हो जाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां न सबा, न मेरी बेटी, अकेला रह गया मामा, बिल्कुल अकेला। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं हो रोहन। अम्मी, अब आप खुद बताएं, मैं बगैर तस्दीक के उस बच्ची को उन लोगों के हवाले कैसे कर देती? वो तो ना जाने इस बच्ची से क्या क्या करवाते सिर्फ पैसा कमाने के लिए। बेटी, बात ये है कि तुम्हें बच्ची उनके हवाले कर देनी चाहिए, चाहे वो उसके असली माँ बाप थे या नहीं। इतना अच्छा मौका तुमने अपने हाथ से जाया कर दिया। इंसान को इस कदर नेकियां भी नहीं करनी चाहिए कि उसके अपनों की जिंदगी मुश्किल हो जाए। तुम आखिर चाहते क्या? कि अम्मी हमारा ये रिश्ता सिरे से खत्म कर दे? कामिल, मैं तो सिर्फ समझ नहीं आती तुम क्या चाहती हो। अरे कामिल बेटा रुको, रूमी, मेरी एक बात याद रखना, अगर इस बच्ची की वजह से तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी भी थी। नया तमाशा इसने शुरू किया ना, इसकी खबरें मीडिया तक पहुंच गई हैं कि हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकलौते चश्मोचिराग ने अब थाने कचहरियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। माँ, आखिर ये चाहता क्या है? अगर इसकी बीवी मर गई है तो ये हमारी जिंदगी के ऊपर बात कर रहा है, दफा क्यों नहीं हो जाता है यहाँ से? और मैं देख रही हूँ कि आप इसे पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, ये जानते हुए भी। माँ, वो तो दिन रात इस बात की दुआ करता है कि काश वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि तुम इंतकाम की आग में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें मैंने कितनी बार खुदा के वास्ते दिए हैं कि भूल जाओ इस बात को, लेकिन नहीं, अब तो वो वजह भी खत्म हो चुकी है जिसकी वजह से रुहान ने आपसे बगावत की थी। फिर अब के पीछे पड़ी हो उसके। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है और आप कहती हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? नेवर। मेरा इंतकाम अभी खत्म नहीं हुआ। रूमी, कुछ तो करना होगा इससे पहले कि ये सिचुएशन हाथ से निकल जाए। इस बच्ची की फैमिली को ढूंढने के सिवाय मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम फेसबुक पेज चेक कर रही हो? कोई फीडबैक? काफी सारे कमेंट्स हैं, कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं और कुछ लोग बुरा। किसी ने यह भी लिखा है कि मैंने ये वीडियो सस्ती शोहरत के लिए बनाई है, और कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि मैं उस बच्ची का इस्तेमाल करके पैसे बटोरना चाहती हूँ। अफसोस, किस तरह की सोच रखते हैं, कोई समझ ही नहीं रहा। मैं उस मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह होने से बचाना चाहती हूँ, लेकिन उस पे किसी को तरस ही नहीं आ रहा। रूमी बेटा, मैंने कामिल से बात की है, उसे समझाया है कि तुम्हें थोड़ा वक्त और दे, वो मान गया है। वैसे भी शगुफ्ता की मियाद में अभी 4 दिन बाकी हैं, तुम अपना काम जारी रखो। देखो बेटा, अगर अल्लाह ने इस बच्ची को तुम्हारे हवाले किया है ना, तो तुम भी अपनी सारी रुकावटें, परेशानियां अल्लाह के हवाले कर दो। थैंक यू बाबा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। जीती रहो, खुश रहो। असद, ये पहली बार नहीं हुआ, ये रोज निकलती है बच्ची से जान छुड़ाने के लिए घर से, और शाम को घूम घुमाकर उसको सीने से चिमटाए वापस आ जाती है। सुंदस, वो जानबूझकर तो नहीं कर रही है ना? अब हर बार उसकी किस्मत खराब निकलती है, तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? बेचारी, उफ़ अल्लाह, कितनी मासूम है ना, नन्ही सी बच्ची है ना वो, जिसको इस बात का पता ही नहीं था कि जो हरकत वो करने जा रही है इससे मुआशरे में लोग उसके बारे में सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे लोग। कुछ पता है आपको कामिल कितना गुस्सा करके गया है? कुछ अंदाजा है आपको उसके जज्बात का? हाँ, मालूम है मुझे, बाबा ने मुझे सारी बात बता दी है। देखो, तुम परेशान मत हो, बाबा ने समझाया उसे, और फिर कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना इस मसले का। और फिर रोमी भी कोशिश कर रही है, हाथ पर हाथ रख के तो वो भी नहीं बैठी हुई। हाँ हाँ, हाथ पर हाथ धरकर थोड़ी बैठी है, कोशिशें कर रही है, बहुत कोशिशें कर रही है कि किसी तरह बच्ची से जान छुड़ा ले, लेकिन छूट नहीं रही जान उसकी और ना हमारी। और मैं तुम्हें कह देती हूँ सर, अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर इस बच्ची का मसला हल नहीं हुआ ना, तो मेरी अम्मी कोई भी इंतहाई कदम उठा लेंगी, फिर मत कहना। कामिल भाई, मेरे हिसाब से तो भाभी जो भी कर रही हैं बहुत ठीक कर रही हैं। अब आप खुद सोचें, आजकल के दौर में कोई किसी और के बच्चे के लिए इतना कुछ करता है? मेरे नजरिए में तो ये बहुत नेक काम है। एक उठाकर लगाऊंगी ना तुम्हें। ठीक कर रही है। क्या ठीक कर रही है? पहले क्रिकेट खेलकर खानदान के सर बदनामी डालती रही, अब ये बच्ची वाला कारनामा अंजाम दे दी और नौबत यहाँ तक आ गई कि वीडियो पर तकरीरें करती फिर रही है। ये हरकतें हमारी होने वाली बहू की, ऐसी होती इज्जतदार शरीफ लड़कियां, बताओ मुझे। और ये निकम्मा बस एक ही रट लगाए बैठा है, रूमी चाहिए, शादी करूंगा तो रूमी से करूंगा। आज बैठकर मातम करते रहो, आज भी जरा गैरत नहीं आई कि दो थप्पड़ लगाकर मंगनी तोड़ देते। अम्मी धमकी देकर तो आया था, और वैसे भी रहमान अंकल इतनी मिन्नत समाजत कर रहे थे तो मैंने सोचा खामोश रहना बेहतर है। मगर मैं चुप रहने वाली नहीं, मैं दुनिया को खुलकर बताऊंगी कि वो बच्ची दर हकीकत रूमी की अपनी औलाद है, जिसे छुपाने के लिए वो ये सारी ड्रामेबाजियां करती रहती है। ये कैसी बातें करनी अम्मी आप, ये अब ज्यादा हो गया अम्मी। दुनिया जानती है कि रूमी ऐसी लड़की नहीं है। बेटा दुनिया उसी पर यकीन रखती है जो आंखों से दिखता है। आग लग गई ना, पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू कर दिया कि उसकी कोई बुराई से नजर नहीं आई। हेलो, हाँ रुहान कैसे हो? हाय रूमी, डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम? नहीं बिल्कुल नहीं। फेसबुक पर तुम्हारी वीडियो पोस्ट देखी थी उस मासूम सी बच्ची के लिए जो तुम कर रही हो, दैट्स कमेंडेबल। हाँ लेकिन ठीक से अभी तक मैं उस बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। हाँ फैमिली का बहुत प्रेशर होगा ना तुम पर, लेकिन आई एम श्योर के तुमने जिस काम का बेड़ा उठाया है उसे पूरा करके ही छोड़ोगी। यू आर अ फाइटर आफ्टर ऑल। रोहान क्या तुम इस बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मैं रूमी मैं सोचो अगर इस बच्ची की जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या करते? ओह आई एम वेरी वेरी सॉरी, जज्बात में आके मुझे कुछ पता नहीं चला मैंने क्या बोल दिया। आई एम रियली सॉरी रोहान। It's okay, Romy. It's okay. अरे क्या हो रहा है, हर काम मेरे हाथों से गलत हो रहा है। भाभी परसों मैंने गुड़िया के कपड़े टॉवल वगैरह धुलने के लिए रखे थे मगर अब तक वो वैसी के वैसी ही पड़े हैं। गुड़िया? कौन गुड़िया? ओफो मैं उस बच्ची की बात कर रही हूँ। अरे अच्छा उसका नाम तुमने गुड़िया रख लिया है। वैसे एक बात है रूमी, अब जब तुम उसे उठा के घर ले ही आई हो तो कोई अच्छा सा नाम भी रख लो ना उसका। आपसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ जब आप सारे घर वालों के कपड़े धुलने के लिए भिजवा सकती हैं तो गुड़िया की क्यों नहीं। मेरी सुनो बात, नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, और ना ही सबका ठेका ले रखा है मैंने। उस लावारिस बच्ची को उठाकर तुम लाई थी घर, उसके पोतरे धोना भी तुम्हारा काम है। आपसे तो बात ही करना फजूल है। अरे बदतमीजी करती हो, मुझसे ज्यादा बकवास मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रूमी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आई बड़ी घूरने वाली, बे शर्म हया होती तो डूब मरती। बड़ा शौक है बच्चों की परवरिश करेगी। हाँ। बैठी हुई हो, तुम्हारे घर गई तो पता चला कि तुम यहाँ आई हो। हाँ मैंने सोचा हो सकता है इस बच्ची के माँ बाप मिल जाए, ऐसे ढूंढने के लिए आ जाए। और कैसी है हमारी एंजल? तुम्हारे हाथ में क्या है? पॉम्फ्लेट्स, बेबी की फैमिली को ढूंढने के लिए। देखो। What? Hey Ruby. Hi. रोहान ने छपवाए हैं। और यही नहीं रूमी, हमारी सोशल मीडिया कंपेन भी रोहान स्पॉन्सर कर रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और बेबी की फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढ सकें। रोहान ये सब मैंने सब कुछ सिर्फ ये सोच कर किया कि अगर इस सिचुएशन में मैं होता और मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ रही होती तो मैं क्या करता। लेकिन जिस मुश्किल वक्त से तुम गुजर रहे उसके बावजूद तुम ये सब कर रहे हो। सब बातों से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा रूमी, और टाइम हमारे पास है नहीं। रूमी मैंने इसे तुम्हारे ससुराल वालों के बारे में भी सब बता दिया। हाँ मुझे पता चला कि इस बच्ची को लेकर तुम कितनी मुश्किल से गुजरते हो, लेकिन डोंट वरी रूमी, नेक काम करने वालों की मुश्किल अल्लाह ताला अपने जिम्मे ले लेता है। बाय द वे अपनी प्रिंसेस से तुमने मुझे मिलवाई है। ये तो वाकई प्रिंसेस है। हेलो हेलो शाजिया, एक काम करो यहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू रुहान, हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरा बहुत साथ दिया, और हर बार की तरह इस दफा भी तुम थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा कर दी। It's just that मुझे बहुत अफसोस है कि यार पूरी कोशिश करने के बावजूद हम लोग कामयाब नहीं होते। नहीं, कभी कभार मंजिल इंसान के बहुत करीब होती है लेकिन वो थक कर हार मान जाता है। हो सकता है इसकी मंजिल भी यहाँ कहीं करीब ही मौजूद हो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, एंड आई नो कि तुम हिम्मत हारोगे। चलता हूँ, टेक केयर। ऑलराइट बेबी, अल्लाह हाफ़िज़। अजनबी मेरी हर खुशी क्यों आंखों से बहने लगी अब हर घड़ी ये बेबसी जिंदगी सपने ना जाने क्यों हो गए हैं अपने बेगाने क्यों। जूस पी लो, फ्रेश बनाया अभी तुम्हारे लिए। आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो मामा? I'm fine. तुम्हारे उस जुमले के पीछे जो उदासी है उसे मैं पहचानती हूँ बेटा, इसलिए हमेशा कहा करती थी, समझाती थी कि ख्वाबों के पीछे मत दौड़ो, हकीकत नजर आना बंद हो जाती है। हकीकत? हकीकत तो मैं जी चुका हूं मामी, लेकिन ख्वाब शायद मैं आप जी रहा हूं, जिसने एक बेनूर जिंदगी के अलावा और कुछ। ना शुक्रिया नहीं करते बेटा, अल्लाह का शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम सुबह सुबह घर से निकल जाते हो और रात को लेट आते हो, की तलाश करना बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ऑफिस ज्वाइन करो, अपने आप को संभालो, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं माँ, ये सब कुछ तो मुझसे छीन लिया गया था, इस पर सिवाय माँ होंगे और किसी का। हेलो, क्या रूमी भाभी कैसी हो? जोया मैं ठीक। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। बाय द वे आपका वो गुमशुदा फरिश्ते वाला पेज तो खूब वायरल हो रहा है, अब तो लोग अपने सारे मिसिंग बच्चों की इन्फॉर्मेशन वही डाल रहे हैं। आपने तो कमाल कर दिया भाभी। थैंक यू। कामिल है घर पे? नहीं, वो तो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस गए हैं। तुम? अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या करने आई हो? कोई शर्म हया है या नहीं तुम में? मंगनी वाली लड़कियां यूं ही मुंह उठाए ससुराल नहीं आया करती। आंटी मैं कामिल से मिलने के लिए आई हूँ, इतने दिन से फोन करी उन्हें फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। वो अब तुमसे क्यों बात करेगा, तुमने कारनामे ही ऐसे अंजाम दिए। हाँ, वो लावारिस बच्ची किसी को दे दी या यूं ही छाती से लगाए बैठी हो? आंटी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब कोई जरूरत नहीं, तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी गयी थी, अगर आंटी तुम्हें दिया गया वक्त खत्म हो चुका है, तुम जा सकती हो। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, भला कोई अपने सगे रिश्तेदारों से ऐसा करता है? सोचे हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी जब मोहल्ले वालों ने हमारी भतीजी की वीडियो हमें दिखाई। माफ कीजिएगा बाजी, पर इस बार तो हद ही हो गई है, रूमी की बेशर्मी की और आपकी लापरवाही की। अरे इतनी बड़ी बला कोई अपने सर पे लेता है इस तरह से? इस शहर में कोई मर भी रहा हो ना तो कोई अस्पताल तक लेकर साथ नहीं जाता, और आपकी बेटी किसी की फेंकी हुई बच्ची घर उठाकर ले आई है। माना कि रूमी ने ये सब नेकी की नीयत से किया, मगर आपको छुपाना नहीं चाहिए था। कम से कम हमें तो बता देते ताकि बच्ची के माँ बाप ढूंढने में हम आपकी मदद करते। ये बात छुपाकर आपने और भी मशगूल बना दिया इस बात को। मैं तो अपने घर का हर छोटे से छोटा मसला आपके साथ डिस्कस करती, मगर आपने इतना पराया कर दिया कि भनक तक नहीं पड़ने दी। हाँ तो क्या करती, मैं ढढोरा पीटती कि मेरी कंवारी बेटी सड़क से किसी बच्ची को उठा के ले आई है। कमाल करती हो तुम भी। है ढंढोरा तो पूरा शहर पीट रहा है और नकारे भी बज रहे हैं आपकी बेटी के नाम के। दूर परे के रिश्तेदार फोन कर करके पूछ रहे हैं कि आखिर रूमी की गोद में बच्ची किसकी है। शाहिला, तुम भी? ये मैं नहीं कह रही बाजी, सब लोग ये बातें कर रहे हैं। और आखिर हम किस किस का मुंह बंद करवाएं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि इस बात की हकीकत क्या है। खैर, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब सबकी इज्जत इसी में है कि इस बच्ची के वालिदैन जल्द अज जल्द मिल जाए। उम्मीद तो नहीं है, हाँ दुआ जरूर कर सकते हैं। कम इन। क्यों आई हो तुम यहाँ? आप ये सब क्यों कर रहे हैं इसकी वजह तो जानती हूँ, लेकिन आप मुझसे इतने दूर चले जाएंगे इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। मैं दूर हुआ? मैं दूर हुआ तुमसे? मैं तुमसे दूर नहीं हो रहा रूमी। मैं अब भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम्हें हमारे रिश्ते की कोई परवाह नहीं। कामिल, मोहब्बत तो मैं भी आपसे बहुत करती हूँ, इसीलिए इस रिश्ते को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही हूँ मैं। तुम आखिर चाहते क्या? देखो, एक बार हमारी शादी हो गई ना तो हम उस बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह उसे भी उसका घर मिल जाएगा और हमें। इट्स इनफ रूमी, तुम पागल तो नहीं हो? तुम चाहती हो मैं किसी और के बच्चे को अपना नाम दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पहले कम मसले हैं जो तुम और मसले खड़े कर रही हो। कामिल प्लीज, यही रास्ता है हमारे पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मान जाए। फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, जिंदगी भर आपके एहसान मानूंगी। प्लीज प्लीज, इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज यहां से जाओ, प्लीज। हाँ ना रहमान, फोन किया था अभी शगुफ्ता ने, आ रही है वो। उसकी दी हुई मोहलत हो गई है खत्म। आप तो कहते थे कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, यहाँ तो कुछ भी ना हुआ। नतीजा वही सिफर का सिफर है। रूमी और उसके दोस्तों ने कोशिश तो की है ना, सारे शहर में उनकी तारीफें हो रही हैं। और रूमी की वजह से कई मिसिंग बच्चों की तलाश शुरू हो गई है, जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। मुझे उसका घर बसता हुआ देखना है। काश मैं उस बच्ची को पहले ही दिन न टिकने देती इस घर में, ना तो नौबत यहाँ तक कभी भी ना आती। काश मैं पहले ही कदम पे रोक देती रूमी को। गलती मुझसे हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे एक तो हर बात में तुम रोना धोना शुरू कर देती हो। भाई आने दो शगुफ्ता को, समझाएंगे उसे कि इस मसले को एक तरफ रखकर कामिल और रूमी की शादी तय कर देते हैं अगले हफ्ते। आपने समझाया और वो समझ जाए। मैं नहीं जानती इस मासूम बच्ची के हक में क्या बेहतर है, बस इतना जानती हूँ कि जिम्मेदारी तूने मुझे सौंपी है। मेरे अल्लाह, तू मेरी हर मुश्किल हर तकलीफ से वाकिफ है। तुझसे दुआ मांगती हूँ कि मेरी मुश्किलों को आसान कर दे अल्लाह। अपने माँ बाप का मजीद दिल नहीं दुखा सकती, ना ही कामिल से दूर रह सकती हूँ। या अल्लाह, मुझसे मेरी जिम्मेदारी वापस ले ले, या फिर मुझे साबित कदम रखना, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। बेटा तुम रो रही थी? नहीं बाबा, बस गुड़िया के लिए दुआएं मांगते मांगते आंखों में आंसू आ गए। अच्छा वो शगुफ्ता बहन आई है, तुम चाय वगैरह लेकर आ जाओ। और हाँ फिक्र मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।